भाई जी का सेट तुम्हें एक बार रख लीजिएगा, सबको बोलिए तो बोलिए, मॉर्गन किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया था? जोर से बोलो, किस पर है? हाँ, फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम कहा ड्रोसोफिला कहते हैं ना, तो ड्रोसोफिला का कॉमन नाम क्या है? बोलो, फ्रूट फ्लाई। यस, जोर से बोलो, बोलिए, ड्रोसोफिला का कॉमन नाम क्या है? अब जो बताए थे आप, ये अब हम आपको बता रही है अंडाशय ओभम के बारे में बता रही है, ओभम जो देख रहे हैं इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं ना, कहा बोलिए, क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? तो जो क्या करता है, गाइमेट और सेक्स हार्मोन को क्या करता है, उत्पन्न करता है। किसको? किसको? गाइमेट और सेक्स हार्मोन को जो उत्पन्न करेगा उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और स्त्री में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सबसे फर्स्ट, मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कहा जाता है किसको, ओभम को कहा जाता है, सॉरी ओवरी को कहा जाता है, अंडाशय को कहा जाता है, चूंकि स्त्री में अंडाशय जो है, अंडाशय ही है जो कौन चीज, गाइमेट को, मतलब कौन चीज, युग्मनज को, और कौन चीज, सेक्स हार्मोन मतलब लैंगिक हार्मोन, तीनों था ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कौन चीज, रिलैक्सिन, पता है ना। स्त्री में कितने होते हैं, स्त्री लैंगिक हार्मोन कितना होता है, तीन होता है, पता होंगे शायद, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, होता है ना, यही तीनों हार्मोन को उत्पन्न करता है कौन, अंडाशय। इसलिए अंडाशय को प्राइमरी फर्स्ट ऑर्गन के, फर्स्ट सेक्स ऑर्गन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो गाइमेट्स, हिंदी वाला युग्मक लिख सकते हैं, जो गाइमेट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो गाइमेट्स, जो गाइमेट्स और सेक्स हार्मोन बनाते हैं, जो गाइमेट्स और सेक्स हार्मोन माने लैंगिक हार्मोन, हिंदी में होगा लैंगिक हार्मोन, जो युग्मक और लैंगिक हार्मोन बनाते हैं, हो गया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो गाइमेट और सेक्स हार्मोन बनाते हैं, हो गया। फीमेल में ऐसा, फीमेल में ऐसा ओवरी, ओवरी का मैंने कहा रहे अंडाशय, फीमेल में ऐसा ओवरी, ओवरी मैंने कहा अंडाशय, फीमेल में ऐसा ओवरी करता है, फीमेल में ऐसा कौन करता है, ओवरी करता है, फीमेल में ऐसा ओवरी, ओवरी मैंने कहा अंडाशय, फीमेल में ऐसा अंडाशय करता है मैंने ओवरी करता है। अतः अतः स्त्रियों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अतः स्त्रियों का प्राथमिक लैंगिक अंग ना, अतः स्त्रियों का प्राथमिक लैंगिक अंग इंग्लिश में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अतः स्त्रियों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अतः स्त्रियों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अंडाशय है, अंडाशय है, अंडाशय है, अतः स्त्रियों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, अंडाशय है, जिसे गोनाड भी कहा जाता 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 है, जिसे क्या कहा जाता है, गोनाड भी कहा जाता है। तो बोलिएगा, सबको बोलिएगा, स्त्रियों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है जी, सबको बोलो, कौन सा है, अंडाशय है, बताइए बताइए, अंडाशय का काची बनाता है, बोलो किसको किसको बनाता है, गाइमेट और किसको, सेक्स हार्मोन को बनाता है ना, सबको बोलेगा, बोलिए किसको किसको बनाता है, गाइमेट और सेक्स हार्मोन का बनाता है। चलिए, स्त्रियों में कितने सेक्स हार्मोन होते हैं, लैंगिक हार्मोन कितना होता है, तीन होता है, कौन कौन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कौन सी, रिलैक्सिन होता है ना, समझ आ गया सबको, अरे ऐसे मेरे तो बोलता बोल क्या नहीं रहा है, फिर से बोलिए, मॉर्गन ने किस चीज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जोर से बोलिए, किस पर, एक मिनट, सब खड़ा हूं, पांच बार आदम उठ बैठ करो जल्दी जल्दी, तुम लोग सूतल हो, बैठो, खड़ा हो, बैठो, खड़ा, बैठा, खड़ा, बैठा,
बैठले रहो, अब जो आपकी नहीं बोला था सोच लेना, आपकी में छुट्टी कर देंगे, याद रखना। बता रहे मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? ड्रोसोफिला। सबको बोलिए ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला का कॉमन नेम क्या है? फ्रूट फ्लाई। क्या है? स्त्रियों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता है? सब बोलिए किसको कहा जाता है? जोर से बोलो किसको कहा जाता है? अंडाशय को। फिर से बोलिए किसको कहा जाता है? अच्छा अंडाशय का काची बनाता है? गैमेट और अच्छा गैमेट और सेक्स हार्मोन बनाता है अंडाशय ना। तो आप बताओ बच्चा पार्टी कि गैमेट और सेक्स हार्मोन तो बना दिया कौन सा? अंडाशय। अब बताइए तो कितने सेक्स हार्मोन होते हैं? कौन कौन? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन ना। अच्छा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को एक चीज और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बोलिए जो इसमें लगा दे रहे हैं गोनाड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आवाज थोड़ा सा निकालिए, बोलिए और घर से खा पी कावल कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि वहां जाते हैं तो बोलना पड़ता है और तुरंत पूछेंगे भी हम, और नहीं बताएं तो नौ नतीजा तेरा कर्म कर देंगे। याद रखिएगा अभी इतना क्वेश्चन पूछ देंगे हम आपसे, अभी क्वेश्चन पूछेंगे जो पढ़ाए हैं से, ठीक है? सो कीप योर प्रेजेंट ऑफ माइंड, ठीक है? अपने दिमाग को प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना सीखो, नहीं तो इन्हें कि बैठल यहाँ। अब बताओ ऐसा रहता कि बाबू कहीं और पढ़ना रहता तो बात की बात है कि सर तो यहाँ पढ़ना ही नहीं है, तो काला झूठू को जरूरी ये सब थोड़ी है। ध्यान रहे सवाल नंबर आते हैं तीसरा की और ध्यान देंगे आप लोग सबको, अपना नंबर सेट निकाल के देखिएगा। देखिए बताए बता दे विद्यार्थी ये आपका कौन सी हो गया? ध्यान दो ये आपका कहा है, मान लीजिए कि ओवरी है, सॉरी यूट्रस है, कहा है यूट्रस है जो गर्भाशय है ना जी, इसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, ठीक है? और गर्भाशय में यहाँ जो इम्पटी स्पेस होते हैं, ये सब जो देख रहे हैं इम्पटी स्पेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस कैविटी। बोलो क्या लेंगे? अरे बाबू जैसे माउथ कैविटी होता है हिंदी में मुख गुहा बोलते हो, उसी प्रकार से यूट्रस में भी जो होता है इम्पटी स्पेस होता है, खाली जगह होता है, और उसी को विद्यार्थी हम लोग बोलते हैं कौन सी? बोलिए यूट्रस कैविटी। क्या बोलते हैं? यूट्रस कैविटी का नाम जानते हैं हिंदी में इसको बोलेंगे कौन सी? गर्भाशय गुहा। क्या बोलेंगे? गर्भाशय गुहा बोलते हैं। अच्छा उसके बाद यूट्रस के जो यहाँ पर देखिए यूट्रस के जो यहाँ पर जो ऊपर से जो लैंड होता है ऐसे ऊपर से जो लैंड होता है ना ऐसे ऊपर जो लैंड कराते हैं ऐसे, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी जो देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज? ध्यान से इसको बोलते हैं इंडोमेटेरियम। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा इसको इंडोमेटेरियम बोलते हैं, इंडोमेटेरियम हम लिखवा देंगे इंडोमेटेरियम बोलते हैं। अच्छा इंडोमेटेरियम जो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है स्त्री में, पता है ना हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इंडोमेटेरियम ही ब्रेक होता है, ठीक है? कौन सा ब्रेक होता है? इंडोमेट्रियम में क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना जी, तो इंडोमेट्रियम इंडोमेट्रियम ही क्या होता है? ब्रेक होता है, जिसके कारण स्त्रियों में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल और का ऋतुस्राव, जिसको हिंदू में आप हिंदी में क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं, इंग्लिश में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, ठीक है? अब ये जो हो गया ये वाला जो ई लेयर जो टूटता है, सो एक और लेयर होता है इसके बगल में होता है जो कि मसल्स के बने होते हैं। किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। मसल्स मैंने किसका? मांसपेशियों का जो बना होता है, मसल्स का बना होता है, याद रखिएगा। तो मांसपेशियों का जो बना होता है मांसपेशियां, ऐसे देखो पेशियां रख नहीं आ रहा है, पेशियां ना उसमें तो पेशी भी करेगा, तो मांसपेशियों का बना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पंच पेशी स्तर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मायोमेटेरियम। क्या बोलते हैं? मायोमेटेरियम बोलते हैं इसको, मायोमेटेरियम के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है? और एक और लेयर होता है पतला सा लेयर होता है एकदम जो चारों तरफ का घिरा रहता है, चारों तरफ से सबको घेर ले रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं प्री मेटेरियम। क्या बोलते हैं? प्री मेटेरियम बोलते हैं, याद रखिए प्री मेटेरियम के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो बोलिए ये बोलिए गर्भाशय के अंदर वाले स्पेस को जहां पर खाली स्थान रहता है उसको बोलिए क्या बोलते हैं? बोलिए तो क्या बोलेंगे? यूट्रस कैविटी। अच्छा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्रेक होता है, किसके दौरान? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्रेक होता है उसको हम बोलिए सब बोलिए इंडोमेटेरियम। क्या बोलेंगे? इंडोमेटेरियम, ठीक है? अच्छा उसी के बगल में इंडोमेटेरियम के बगल में एक और मसल्स का बना होता है, मांसपेशियां का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं बोलिए क्या बोले 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 क्या बोलेंगे बोलो रहे बोले मांस मछली बोलिए मायोमेटेरियम। क्या बोलते हैं?
हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। और एक और पतला सा लेयर होता है ठीक है, जो कि गर्भाशय को घिरे हुए रहता है, उसको बोलते हैं बोलिए प्री मेटेरियम। क्या बोलते हैं? प्री मेटेरियम के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। बस मैं कर रहे ऐसे असमें सवाल पढ़िए क्या करा है ऐसे। यूट्रस कैविटी इज लाइंड बाय, यूट्रस कैविटी को लाइंड किया जाता है, मैंने ऊपर से लाइंड करते हैं, तो किसके द्वारा? किसके द्वारा जी? इंडो मेटेरियम के द्वारा करते हैं। बस मैं कर रहे ऐसे, तो पहले आप इसको छापिएगा, छाप ही लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। अरे बोका कहीं कि ये मोटका जो दिखाई तो इसे मोटा वाला को क्या बोलते हैं? ये ये जगह को, ये जगह को क्या बोलेंगे? यूट्रस कैविटी बोलेंगे। यहाँ जो मोटा वाला जगह दिखाई दे रहा है इसको हम क्या नाम दिए हैं? इंडोमेटेरियम। एक और ऐसे लेयर है, इसके बगल में एक और लेयर है, इस लेयर को क्या नाम दिए? देखिए तो मायोमेटेरियम। और इसको जो पतला सा लेयर दिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मेटेरियम बोलते हैं। तो क्या छापना कौन सी है? अजू समझ गया छापेगा। अगर डायरेक्ट नहीं चाहते लिख लो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हिंदू में, हिंदी में होगा कौन सी? ऋतुस्राव के दौरान जो ब्रेक होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्रेक होता है उसे इंडोमेटेरियम कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्रेक होता है उसे इंडोमेटेरियम कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्रेक होता है उसे इंडोमेटेरियम कहा जाता है, उसे इंडोमेटेरियम कहा जाता है। नीचे कोमा देकर अलग से लिखेगा। गर्भाशय में जो मांसपेशियां का बना होता है, गर्भाशय में जो मांसपेशियां मतलब मसल्स का जो बना होता है, गर्भाशय में जो मसल्स का बना होता है, गर्भाशय में जो मसल्स का बना होता है, गर्भाशय में जो मसल्स का बना होता है उसे मायोमेटेरियम कहते हैं, उसे मायोमेटेरियम कहते हैं, उसे मायोमेटेरियम कहते हैं, उसे मायोमेटेरियम कहते हैं, उसे मायोमेटेरियम कहते हैं हिंदी में गर्भाशय पेशी स्तर जी। जबकि पतला लेयर उसे मायोमेटेरियम कहते हैं। देखो सब लिखा लो उसमें, देखा उसे मायोमेटेरियम कहते हैं। सेठ जब लेवला कर रहे होंगे तो तुम लोग लग रहा है सर मजाक कर रहे हैं। जबकि पतला लेयर जो कि चारों तरफ से घिरा होता है, जो कि चारों तरफ से घिरा होता है प्रीमेटेरियम कहलाता है। मान लो तुम लोग अरे सर टिक रहे, वही सवाल पूछ रहा है कि यूट्रस जो ऊपर से लाइंड होता है उसको क्या कहते हैं? सबको बोले जो ऊपर से लाइंड होता है क्या बोलेंगे उसको? जोर से बोलो इंडोमेटेरियम। क्या बोल रहा है? इंडोमेटेरियम। और जो मांसपेशिया का बना होता है उसको क्या बोलेंगे? बोलिए जोर से बोला मायो। और जो पतला लेयर होता है उसको क्या बोलते? बोल रहे फिर से बोलिए प्री मेटेरियम बोलते हैं। ध्यान से इधर आगे देखना, ये जो प्री मेटेरियम जो आप देख रहे हैं ठीक है, जो प्री मेटेरियम अभी आपको मैंने दिखाया ठीक है, ये कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है द स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। जो एग मेम्ब्रेन होता है यहां जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो गर्भाशय में जो एग मेम्ब्रेन होता है ये देख रहे हैं ना, है एक मेम्ब्रेन जो होता है जो अंडाशय की जो झिली होती है उसको पूछ रहा है कि उसको और क्या कहते हैं? उसको कोरोना रेडिएटा भी कहा जाता है। क्या कहता है? ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये वाला, ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, ये बाहर की जो झिली होती है अंडाशय में उसको बोलते हैं कौन सी? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे? रेडिएटा कहा जाता है। और इसके अंदर में जो पार्ट होता है उसको अंदर वाले पार्ट को थीका इंटरना एवं थीका एक्सटर्ना कहा जाता है। बस में कबर बोले से तो आप लोग बोलिएगा, बोलिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि बोलिएगा जो अंडाशय होता है, क्या होता है? अंडाशय के बाहरी झिली को, अंडाशय नहीं जी, अंडाशय के बाहरी झिली को क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेगा कोरोना रेडिएटा। जोर से बोलिएगा लेंगे। अच्छा अब अंडाशय के जो अंदर में होता है, अंडाशय के कहां अंदर होता है उसको बोलते हैं थीका इंटरना। क्या लेंगे? थीका इंटरना।
एवं कौन सी थीटा एक्सटर्नल है ना, वो अंदर में होता है, ठीक है। तो लिखिएगा चार में दे करके, लिखिए लिखिए बोले द्वितीयक अंड, लिखिएगा द्वितीयक अंड झिल्ली को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, द्वितीयक अंड झिल्ली को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, द्वितीयक अंड झिल्ली को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, द्वितीयक अंड झिल्ली को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, द्वितीयक अंड झिल्ली को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, द्वितीयक अंड झिल्ली को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, जबकि जबकि अंडाशय के अंदर, जबकि अंडाशय के अंदर वाले भाग को, 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 जबकि अंडाशय के अंदर वाले भाग को थीका इंटरना एवं थीका एक्सटर्ना कहा जाता है, जबकि अंडाशय के अंदर वाले भाग को थीका इंटरना एवं थीका एक्सटर्ना कहा जाता है, थीका एक्सटर्ना कहा जाता है, जबकि हो गया अंडाशय के अंदर वाले भाग को थीका इंटरना एवं थीका एक्सटर्ना कहा जाता है। सवाल पढ़ के देखिए अपने से जी, पढ़ लिया आप लोग, करा कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स क्या कहलाता है, यहां जो होता है ये वाला क्या कहलाता है, बोलिए सब बोलो, क्या बोलेंगे, बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा, सेट बना के दिए है ना सबके पास, तो घरे तुम लोग छोड़ का यार, अभी पूछना है नहीं बताना, तभी वीडियो बनाता था, तलाक तलाक मारेंगे, याद रखना नौकरों में दिखा के मारेंगे सामने। चलो आगे करे, सवाल नंबर पांच, अभी तुरंत बता, बोल रहे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा ब्रेक होता है, कौन कौन ब्रेक होता है, इंडोमेटेरिया ब्रेक होता है, ठीक है, और वहां से जो ओवम जो होता है, ओवम ओवम जो बाहर निकलता है वही कराता है, देखिए द रिलीज ऑफ अ ओवम, ओवम जो बाहर आता है फ्रॉम कहां से, मेचुअर है ना ग्रेफियन फ्लिप कहां है, ग्राफी पुटक से एक परिपक्व अंडाणु का मोचन कहलाता है, जो वहां से जो उसका ओवम जो ब्रेक होता है वो जो बाहर निकलता है उस क्रिया को कहते हैं कौन सी, अंडोत्सर्ग, हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ओव्यूलेशन, क्या लेंगे, ओव्यूलेशन कहते बाबू, ओव्यूलेशन, अरे ये टूटा ना रे, आपको तो इतना तो पढ़े तो टेंथ क्लास में पढ़ना था, टेंथ क्लास में डिटेल हम आपको बताएंगे, ये जो इंडोमेटेरियम जो टूटता है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला इंडोमेटेरियम जो टूटता है, एक देखिए एक बनता है तो क्या होता है, टूटता है, अरे गर्भाशय की दीवार जो होता है एक बनता है तो क्या होता है, टूटता है, तो जो आप मान लीजिए कि इसका जो होता है इसको बन, ये जो टूटता है टूट गया, जैसे कि आज आज टूटा, तो इसको गर्भाशय तक आने में 10 से 12 दिन का समय लगता, पूरा डिटेल लिखवाएं हम आपको, ठीक है, गर्भाशय तक आने में कितना समय लगता है, 10 से 12 दिन तक समय लगता है, ठीक है, अब वो 10 से 12 दिन के बाद क्या होता है, यही क्या होता है, स्रावित होता है, बहता है, जिसको आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो आप बताए, तो उस समय अंडाणु को, स्त्री के अंडाणु को यदि पुरुष का शुक्राणु मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, उस समय बच्चे का निर्माण का हो जाता है, आपको मालूम है, ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर 4 दिन तक मिला तब 10 से 12, जैसे कि आज से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आज से टूटना स्टार्ट हुआ, तो 12 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रक्त के रूप में, ब्लड के रूप में का बाहर आता है, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, अगर वो 12 दिन के बाद यदि अगर इस स्त्री के अंडाणु से, ओवम से यदि पुरुष का स्पर्म मिलता है तो बच्चे का निर्माण होता है, जो एम्ब्रो बनता है वो बन जाता है, उसकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कब, जब एक्टिव या तो पुरुष का स्पर्म या स्त्री का अगर ओवम, मतलब अस्पम ने कौन सी शुक्राणु या अंडाणु अगर एक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है तब, ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि वो 3 दिन के बाद, 4 दिन हो गया, 4 दिन तक स्रावित होता है, 3 दिन 4 दिन तक स्रावित होता है, बहता है, ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, अगर उसके बाद जो है 3 दिन और जो होता है वहां पर कम से 2 से 3 दिन तक लगा गर्भाशय में क्या होता है, अंडाशय रुकता है, जो वहां से बह करके आया है, बंद होने के बाद भी जब बंद हो जाता है तो
दो से तीन दिन चार दिन तक वहां पे का रुकता है, और उस स्थिति में यदि उस स्त्री के गर्भाशय में यदि स्पर्म का अगर मिलता है, उस अंडाणु का स्पर्म मिलता है, तो हर हाल में बच्चे का निषेचन होता ही होता है। आवास में ये तो गर्ल्स लोग को माँ को बाप माँ को ये सब बात बताना चाहिए, ठीक है, कि कब होता है कब का नहीं होता। लेकिन पढ़ रहे हो तो कम से कम टीचर का तो ये काम है, बात समझ ना। आज अभी टूटना स्टार्ट हुआ, उसको आने में गर्भाशय में कई दिन समय लगता है, 10 से 12 दिन। अब वो 10 से 12 दिन आता है तो 4 दिन तक का होता है, स्रावित होता है, 4 दिन के बाद फिर क्या होता है, बंद होता है, फिर 3 दिन और वो गर्भाशय में रुकता है, और उस स्थिति में 3 दिन के अगर अंदर में उसको मिल गया तो हर हाल में बच्चे का फर्टिलाइजेशन निषेचन होता ही होता है। सुना करें ऐसे, इसकी फुल जो पूरा 10th क्लास में आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो पूरा डिटेल, अभी 12th में तो और डिटेल्स पढ़ना था, पूरा वहां पर लिखवाया गया था। तो वही कह रहा है कि ओभम जो होता है, ठीक है, जो टूटता है तो टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट लिखिएगा आप लोग, ओभम को निकलने की क्रिया को, ओभम लिखिए, ओभम निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहा जाता है। हो गया, ओभम निकलने की प्रक्रिया को, 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 ओभम निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है, इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है। हो गया, ओव्यूलेशन कहा जाता है। चलिए आगे लिखिएगा, आगे सुनिए जी। आपको मालूम है कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो युग्मनज बनाता है, युग्मनज की क्रिया क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, बताए थे। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो युग्मनज कहलाता है, युग्मनज बनने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है फिलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखिएगा। निषेचन जो क्रिया जो होता है कहां पर होता है, गर्भाशय के फिलोपियन ट्यूब में होता है, और फिलोपियन ट्यूब में एक चीज और पाया जाता है जिसको बोलते हैं कौन सी, एम्पुला, एम्पुला में ही निषेचन की क्रिया होती है। तो लिखिए जो हम बोल रहे हैं, लिखिए, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मक बनाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर 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 युग्मनज बनाते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी वाला लिख देंगे निषेचन कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में निषेचन कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में प्रजनन तंत्र, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, हिंदी में प्रजनन तंत्र के, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिलोपियन ट्यूब में होता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिलोपियन ट्यूब में होता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिलोपियन ट्यूब में होता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे एम्पुला कहा जाता 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 है, जिसे क्या कहा जाता है जी, एम्पुला कहा जाता है, ओके, जिसे क्या कहा जाता है, एम्पुला कहा जाता है। हो गया, मार दीजिए सवाल नंबर 6 पढ़ के अपने से मार दीजिए आप लोग जी। वही पर आके प्लेसेंटा में निषेचन की क्रिया कहां पर होता है, ठीक है, तो कहां पर होता है बोलिए, एम्पुला में, कहां पर, सॉरी प्लेसेंटा नहीं, निषेचन क्रिया कहां पर होता है, तो फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ना, इसमें का स्पर्म और अंडाणु जब मिलता है, ओवम जब मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना, वो एम्पुला में होता है। चलिए आगे देखिएगा, अब सुनिए जी, सवाल नंबर 7 सिर्फ सुनिएगा, अपने सब लोग लिखिएगा। सवाल नंबर 7 में कह रहा है प्लेसेंटा के क्या क्या कार्य होते हैं, तो याद रखिएगा, जो सुने, जब माँ के गर्भ में जब होता बच्चा होता, भ्रूण होता, इम्ब्रियो होता है ना, तो उसको जो पोषण और ऑक्सीजन वो दोनों कौन देता है, अपरा, कौन देता है, अपरा, जिसको इंग्लिश में बोलोगा प्लेसेंटा कहते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी
अब मान लीजिए बच्चा है तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या रिलीज नहीं करता है, वो भी करता है, वो भी क्या करता है, जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होता है वो, जब सिंपल सा मालूम है आपको बताए थे कि पोषण जब करता है तो उस पोषण का नाम है IGA, बताए थे ना, बच्चे के गर्भ में जब उसको पोषण मिलता है उस पोषण को IGA कहते हैं। जब वो पोषण लेता है, जब आप खाते हो तो आप उस पोषण का, उस भोजन का एक्सट्रिकेशन करते हो कि नहीं, उत्सर्जन करते हो कि नहीं करते हो, निकालते हो ना, कि खाते हो अंदर रह जाता है सब, अच्छा नहीं ना। अरे भोजन दाल भात तुम लोग कुछ खाया तो अंदर ही नहीं रह गया, बाहर निकलते हो ना। तो उसी प्रकार से बच्चा अगर पोषण कर रहा है माँ के अगर प्लेसेंटा में, अगर गर्भ में उसका अगर पोषण मिल रहा है तो वो बच्चा तो फिक्स है कि पोषण को क्या करेगा, निकालेगा। तो और कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और पोषण जो खाता है उसको, अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको भी बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, प्लेसेंटा ही करता है। कौन करता है, प्लेसेंटा ही करता है, ठीक है। और हार्मोन का स्राव भी, उसको भी तो हार्मोन में स्राव, तो तभी तो जिंदा है। हार्मोन का उसमें जो हार्मोन जो बहता है, हार्मोन का जो स्राव करता है, प्रोडक्शन करता है, वो भी कौन करता है, प्लेसेंटा ही करता है, तभी ना बच्चा जिंदा है। तो याद रखिएगा, प्लेसेंटा का इतना सारा काम होता है, ऑक्सीजन पुराना, पोषण पुराना, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को जो खाया भोजन, IGA जो बच्चा जो अति किया भोजन खाया उसको बाहर निकालना, साथ में हार्मोन का रिप्रोडक्शन करना, हार्मोन को बनाना, सब किसका काम होता है, प्लेसेंटा का काम होता है। इसमें आपका कौन आंसर होता, ऑल होता, ऑल ऑफ दीज होता, जो कि आपका डी में होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया थे मदर्स फर्स्ट मिल्क, माँ के पहले दूध को कहा जाता है कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जिसमें कौन सा पोषण पाया जाता है, कौन सा, बताए थे ना। तो आप उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 9 में करा है, चलिए इंटरकोर्स के दौरान जो, इंटरकोर्स के दौरान जो, अब बताए थे इंटरकोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष का मिलना का इंटरकोर्स कहलाता है, या फिर कौन सी, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। उस समय एक बीमारी होती है, इंटरकोर्स के दौरान एक बीमारी हो जाती है, उसको भी या तो STD कहते हैं या एड्स कहते हैं, आप लोग अच्छी तरह से मालूम है। तो इसमें STD कहा है, और STD का फुल फॉर्म आपसे मांग रहा है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जिसको हम लोग ऑप्शन ए में आपका कहा है, सही है। अगर ऐसे सवाल नंबर 10 में आपका कह रहा है कि टीकाकरण लेने से क्या होता है, तो जब आप टीकाकरण लेते हैं तो आपको भी मालूम है कि आपका इम्यूनिटी जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्या होता है, बताए थे पहले से जो आपको, आप पहले से था इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका था पहले से, मान लीजिए कम था, आप टीका वगैरह लिए तो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और रोग से क्या करता है, आसानी से लड़ पाता है, बैक्टीरिया वगैरह से आसानी से क्या करता है, लड़ पाता है, ठीक है। तो यहां तक आपका 10 हुआ। तो एक बार बोलिएगा, टीका लेने से इम्यूनिटी क्या हो जाता है, जोर से बोले, टीका लेने से इम्यूनिटी क्या हो जाता है जी, एक्टिव हो जाता है। इंटरकोर्स के दौरान जो होता है, ठीक है, एक बीमारी होती है जिसको क्या कहते हैं, STD, क्या कहते हैं, STD, या कौन सी, एड्स भी कहते हैं, जो कि पीछे मैं आपको बता चुके हैं, STD का फुल फॉर्म, और कौन सी, एड्स का भी फुल फॉर्म बता चुके हैं, बताया ना। तो एड्स का भी यहाँ पर आप रख लीजिएगा, STD को भी रख लीजिए। तो STD का मतलब क्या होता है, यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। बताइए मदर्स फर्स्ट मिल्क को क्या कहते हैं, लोग जोर से बोले, क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं ना। और अपरा का, प्लेसेंटा का क्या क्या कार्य होता है, सब बताए थे आपको। तो इस प्रकार से इतना आपको रट कहिएगा, कल 10 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, क्या क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और साथ में जितना पढ़ाया भी उसका वीडियो भी बन गया है, देख भी लीजिएगा, कोई भाई बहन कोई भी तैयारी करने वाला होगा तो उसको भेज दीजिएगा, ताकि बैठ के पढ़ के 5 मिनट देख लेगा, तो कम से कम 10 क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसको बहुत सारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 10 आज क्वेश्चन पढ़े, 10 कल क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके पास ये वीडियो चल जाएगा, आप भी एक बार दो बार चार बार देखिएगा, सब समझ में आएगा। ऐसे में